नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और अशीर, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। खगड़िया जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष चौथम प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि चंदन सिंह ने बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल से मुलाकात कर अपने क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराया है। इसके अलावा क्या कुछ मांग इन्होंने रखी है परिवहन मंत्री से, आइए सीधे हम सुनते हैं चंदन सिंह से। चंदन जी, सबसे पहले बोलता है आपका स्वागत है। किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आपने परिवहन मंत्री शीला मंडल से मुलाकात की है और ये मुलाकात कैसी रही? मुलाकात तो बहुत अच्छी रही। कल जाकर माननीय परिवहन मंत्री शीला कुमारी मंडल से मुलाकात की, उसके बाद अपना बेलदौर विधानसभा के कुछ समस्या रखे और जिले के कई कई क्षेत्र का भी समस्या रखे। उसमें बहुत सारा बात था जिसमें कि बस का मांग किए मैडम से कि बेलदौर से पटना जाने के लिए सरकारी बस हो। इससे काफ़ी क्षेत्र का जो समस्या, पटना बीमारी उमारी जो भी आदमी समस्या जाते हैं, जो आसानी हो जाएगा जाने में। उसके बाद CMG बस का प्रचालन करने के लिए बोले मैडम को, जो लोकल चलेगी जिससे धुआं प्रदूषण मुक्त हो जाएगा खगड़िया जिला, ये सब की। और इलेक्ट्रिक चार्जिंग के पॉइंट की बात की मैडम से और मैडम आश्वासन दिए कि हम जल्द से जल्द इसका पूरा करेंगे। क्या लगता है कि अगर यदि सरकारी बस बेलदौर से पटना की परिचालन शुरू हो जाएगी तो कितना जो है राहत मिलेगा लोगों को? बहुत राहत है, बहुत। प्राइवेट बस में क्या मनमानी होता है? उसमें तो बहुत दयनीय है कि भाड़ा किराया बहुत ज्यादा लिया जाता है। सरकारी बस लेगा तो गरीब आदमी भी सफर करेगा, समझ से जाएंगे पटना। और क्या कुछ मांग की आपने मंत्री से? मांग किए कि हमारे बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल बस पड़ा हो, जिस यात्री का काफ़ी परेशानी होता है वो सब दूर हो जाएंगे, कहीं से आएंगे जाएंगे बैठने में आसानी होगा। ये सब मांग की है अपने क्षेत्र बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में। जो हैवी लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया है वो खगड़िया में नहीं है शुरू, उसको लेकर के क्या कुछ आपने? इसमें भी मैडम को बोले कि जो खगड़िया में हैवी कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस यहाँ नहीं बनता है, बहुत काफ़ी परेशानी होता है। कोई झारखंड से बनाता है, कोई बंगाल से, जिसको मतलब काफ़ी लोग को दलाल थोड़ा डुप्लीकेट बना दिया जाता है अदर प्रदेश में। यहाँ अपना लोकल बनेगा तो कोई परेशानी नहीं होगा, लोग को ओरिजिनल लाइसेंस बन जाएगा। वो क्या खगड़िया और बिहार में नहीं बनता है क्या? बिहार में बहुत कम, कोई कोई जिला में बनता है। अच्छा। बिहार में अधिकतर लाइसेंस अदर स्टेट का होता है। तो यानी जो हैवी व्हीकल कमर्शियल व्हीकल्स है उसके जो लाइसेंस हैं उसको लेकर के अपने खगड़िया में भी जो है शुरुआत की है, करने की कोशिश की, मांग की आपने? मांग की है कि मैडम आसानी से बन जाए खगड़िया जिला हमारे जिला में हैवी कमर्शियल लाइसेंस। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत कर रहे थे चंदन सिंह जो कि ट्रक ओनर एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष हैं, तो वहीं चौथम प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हैं। इन्होंने मांग किया है कि बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल बस पड़ाव हो जिससे कि यात्रियों को परेशानी ना हो तपती दोपहरी में या फिर भरी बरसात में। इसके अलावा इन्होंने एक मांग की है जो परिवहन मंत्री से मुलाकात के दौरान कि खगड़िया जिले में भी हैवी कमर्शियल व्हीकल के लाइसेंस बनने की प्रक्रिया शुरुआत होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी बसेस चलती है वो इलेक्ट्रिक वाली बसेस हो ताकि जो पर्यावरण दूषित हो रही है उसे कहीं ना कहीं जो है संरक्षित किया जा सकता है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।